हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डीबी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो 18 महीने की डीए पे बहुत ताज़ी अपडेट निकल के आई है। वहां पे कुछ ऐसे दिशा निर्देश निकल के आए हैं कि आपको 18 महीने का डीए है वो देने से मना नहीं किया गया है, लेकिन ये रीज़न बताया है कि आपको यहाँ पर 18 महीने का डीए अभी तक क्यों नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पर जो पैसा देना था वो डीए का, वो यहाँ पर सरकार ने उसको कोविड में पैसा खर्च कर दिया। तो अभी ये नहीं बयान निकल के आया है कि हम आपको नहीं देंगे। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि 16 जनवरी 2024 का एक लेटर है, यहाँ पर ECHS जो कार्ड है उससे रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। 24 KB का है, और नहीं 64 KB का जो कार्ड है वो आपका यहाँ पर ब्लॉक हो गया है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए, इसके लिए अगर आपके पास मैसेज आ गया है या नहीं आया है तो जल्दी से जल्दी आप अपना जो डिपेंडेंट है वो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट बोले तो इनकम सर्टिफिकेट, वो जल्दी से जल्दी जमा कर दें। और इसमें यह है कि इस वजह से आपका जो कार्ड जो ब्लॉक हुआ है वो ओपन हो जाएगा, नहीं तो फिर वो परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस खबर को पूरी पढ़ने के लिए आप लोग इस वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं। देखिए, यही एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंस कार्ड का यहाँ पर ये डेट ऑफ पॉलिसी 16/1/2024 को आई है ये पॉलिसी। तो और भी यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो आप उसको यहाँ पर गाइडलाइन को पढ़ सकते हो, और भी इसमें लिंक होती हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग सेंटर, यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं उनमें भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देखो ECHS स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन प्रोसेस, और ECHS आपका जो भी कार्ड है, रिकॉर्ड ऑफिस है, रीजनल ऑफ सेंटर है, स्टेशन हेडक्वार्टर है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर लिंक मिलेंगे आपको क्लेम वगैरह आपको करना है। तो ये देखिए, बहुत सारी सुविधा है, आप लोग ECHS का यहाँ पर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर इस साइड को वॉच करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो जो अगली खबर है हमारी वो है कि आपका जो पेंशन है वो 31/1/2024 को मिल जाएगा, और ऐसी खबर यहाँ पर स्पर्श ने मैसेज दे दिया है सभी को। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक वैकेंसी है जो कि बेंगलोर से है, और इसमें जॉब लोकेशन बेंगलोर में आपको जॉब करनी है ये, और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी 70,000 से लेके 55,000 तक है। JCOs की 70,000, NCOs की 55,000। इसके बाद में यहाँ पर ये जो इसके कहाँ संपर्क करना पड़ेगा आपको, तो जो जयपुर में आपको इसके लिए संपर्क करना पड़ेगा, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, जयपुर से ये भर्ती मतलब आपको हैंडल करनी है, और आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर होगा। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंस लोको पायलट की 500 भर्ती निकली हुई है, ये आप लोग सरकारीरेल.com पर आप सर्च कर लीजिए, रेलवे की साइड पर जाके सर्च कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छी भर्ती है, आप इसमें भी फॉर्म डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बता के जाया करो, क्योंकि उससे क्या होता है हमको थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। आप लोग वीडियो लाइक भी किया करो, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो। देखो, JCOs अंडर 50 ईयर के होने चाहिए, NCOs अंडर 45 ईयर के होने चाहिए, जो अभी मैं बता रहा था जो आपकी बेंगलोर वाली भर्ती है जॉब लोकेशन, तो उसमें आपका ये कैटेगरी वगैरह है। लीव आपको 2 दिन की, टोटल लीव जो है 2 दिन की मिलेंगी आपको 1 महीने में। और इस पर आप लोग जो ro@jaipur.in पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जयपुर, ये फ़ोन नंबर भी दिया है, आप लोग यहाँ पर जाके ये जॉब सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।